Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum, class. I am your instructor maavish I hope my voice finds you well. In today's lecture, we will cover the topic 8.4. Please open your books and page number 99 and hold a lead pencil with you. Basically, sources of security threats. In this lecture we will cover the following topics. First one is the sources of security threats. So these are the sources from where the threats are coming, so computer viruses, trojan horses and worms. Basically, we have identified some common form of security threats so we can protect our data from such threats if we know where these threats come from. So we will learn about some sources of security threats in this section. So, first one is your computer virus. Basically, a computer virus is a dangerous program that infects a computer and destroys the files stored on it. So, a virus is capable of replicating itself. What does it mean? Your virus is replicated by itself, like a cancer disease. Why is cancer is so dangerous? कैंसर आपकी बॉडी में रेप्लीकेट करता रहता है अपने सेल्स को एक से ज़्यादा सेल्स बनाते रहते हैं इन अ डे मिलियंस और बिलियन सो वो क्योर नहीं हो सकता सेम एज विथ कंप्यूटो वायरस वो आपके सिस्टम में आके एक से ज़्यादा कॉपीज बना देते हैं तो आप कितनी कॉपीज़ को रिमूव करेंगे इट्स इम्पॉसिबल ओके सो Basically, computer viruses are one of the biggest threat to data security. So, a computer virus is a dangerous program. So, it can travel with a data file. सच एज़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट और स्प्रेड शीट और वेर द डेटा फाइल ट्रैवल्स एक्रॉस द नेटवर्क फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं कि यू एस बी फ्लैश ड्राइव जो है वो आप जब किसी सिस्टम के साथ लगाते हैं तो हम कहते हैं कि ओ, उसमें अगर वायरस है तो आपकी वो फ्लैश में चला जाएगा जब आप किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे उसमें वायरस चला जाएगा सो ये ट्रैवल करता रहता है ठीक है सो द डाटा फाइल इज़ कॉल्ड द कैरियर फाइल तो आपकी वो डेटा फाइल जो जिस सिस्टम के साथ अटैच थी और उस सिस्टम में वायरस था तो वो जो फाइल है वो कैरियर फाइल हो जाएगी सो व्हेन अ यूजर डाउनलोड अ कैरियर फाइल ऑन टू हिस कंप्यूटर द वायरस इन्फेक्ट द कंप्यूटर मोस्टली वाया ई मेल अगर आपको कोई अटैचमेंट में फ़ाइल आती है और वो फाइल जो है वो कैरियर फाइल है इट्स मीन कि वो वायरस को कैरी कर रहा है तो वो वायरस जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे आप उसको ओपन करेंगे तो वायरस आपके सिस्टम में आ गया वो वायरस दैन रेप्लीकेट्स प्रोड्यूस मोर वायरसेज लाइक इट सेल्फ सो दीज वायरसेज देन डिस्ट्रॉय ऑल द डेटा स्टोर ऑन दी कंप्यूटर सो वायरसेज कैन स्प्रेड वेरी फास्ट देखिए जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जैसे खोलेगा वहाँ जाकर उसकी कितनी कॉपीज बन गई फिर वो कितनी कितनी फाइल्स कैरियर्स फाइल्स बन गई फिर जब आगे ट्रांसफर की कोई फाइल तो उसके साथ वायरस चला गया दूसरे सिस्टम को जाके करप्ट कर दिया सो अ सिंगल वायरस कैन अफेक्ट थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर नेटवर्क वायरसेस कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड सीडीज जैसे मैंने आपको यूएस बी ड्राइव्स की एग्जाम्पल दी थी ऐसे ही सी डीज की है एक सिस्टम से लगा के दूसरे सिस्टम में जैसे ही आप उसको इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे वायरस आ जाएगा सो आ वायरस इन्फेक्टेड आ सी डी और यू एस बी ड्राइव वेन दे आर यूज इन एन इन्फेक्टेड कम्प्यूटर तो कैसे उसमें जाएगा जब ऐसा कंप्यूटर जिसमें ऑलरेडी वायरस था वहाँ पर अगर आपने यू एस बी फाइल और अपना सी डी लगाया तो वहाँ पर जाके आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो जाएगा ठीक है सेकेंड वन इज बच्चो ट्रोज़न हॉर्स ट्रोज़न हॉर्स जो है एक हार्मुल प्रोग्राम है एक सॉफ्टवेयर है दैट अपेयर्स टू बी यूजफुल लगता है कि बड़ा यूजफुल है लेकिन जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो वायरस होता है सो इट वॉज फर्स्ट डिवेलप टू कंट्रोल कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउवर इट इज़ नाउ कॉमनली यूज टू स्टील प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज़ पासवर्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर सो हैकर यूज ट्रोजन हॉर्सेज टू हैक कंप्यूटर सिस्टम क्योंकि वो इतना रियल ऐप लगती है कि जैसे आप उसको क्लिक करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली जाती है सो ट्रोजन हॉर्स कैन आल्सो डिलीट फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर मोस्ट ऑवर जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है उसको डिलीट भी कर सकता है सो वेस्ट द मनी ऑफ द कंप्यूटर and uh, force the computer to crash it can also allow a hacker to view the user computer screen so in this way the hacker can keep a watch on what the user is doing on the computer it's mean ke wo spy kar sakta hai aapki screen uske paas ja rahi hai usko pata chal raha hai aap kya kar rahe hain aapki information le sakta hai wo theek hai तो basically Trojan horse जो था वो आपके system से delete भी कर सकता है आपके windows को crash भी कर सकता है इस तरह का virus था Third one is your worms. Basically, worms normally use computer network to move to different computer. so a key difference between a worm and virus is that basically this is the key difference that viruses normally attach to the file and corrupt them. okay carrier file attached curtain or pick corrupt curtain but worms create copies of themselves that are transmitted over computer network. So the uh, Morris worm was first of first worm. विच डिस्ट्रॉय कंप्यूटर या कंप्यूटर वाम ठीक है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इंटरनेट पे सो so, इसको आप अंडरलाइन कर लें विच इज ऑन पेज नंबर हंड्रेड द मॉरेस वाम वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वाम्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाया द इंटरनेट ये एक इन्फो है बेसिकली वायरस और वर्म में क्या है वायरस एक फाइल अटैच की जाती है वो जहाँ जहाँ ट्रैवल करती है वहाँ जा कर उस कॉपीज बनती है लेकिन वर्म्स क्या होते हैं वो इंटरनेट पर अपनी बहुत सारी कॉपीज फैला देते हैं जो जो इंटरनेट यूज़ करता है उनके वहाँ सिस्टम में वो कॉपी चली जाती है और वो फिर इंटरनेट पर फैला दी जाती है जितने इंटरनेट यूजर्स हैं उनके सिस्टम में वर्म्स चले जाते हैं सो बेसिकली दीज आर दोसिसज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेड्स टूडे यू पीपल हैव एनदर एक्टिविटी Please go through to page number ninety nine 99200. Read it twice. If you find any difficulty, ask me in your curious session via WhatsApp. Uh, here you have uh, homework too. So, which is taken from your exercise question number 4 what is the difference between a worm and a virus i have told you this thing in your today's lecture so listen your lecture very carefully and write down the difference between a worm and a virus in a separate sheet uh, in your next lecture we will start common modes of security threats till then allah hafiz